हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज का वीडियो उस सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पर है जो एज अ यूट्यूबर और हैरी पॉटर फैन मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, और ये आप में से भी कई लोगों को किया है क्योंकि मुझे कई बार इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए लोगों के कमेंट्स आए हैं, और वो है कि आखिर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वोल्डेमॉर्ट या फिर ग्रिंडलवॉल्ड। जब मैंने मोस्ट पावरफुल विजार्ड वाला वीडियो बनाया था तब भी कई लोगों का मानना था कि ग्रिंडलवॉल्ड वोल्डेमॉर्ट से ज्यादा पावरफुल था। वहीं कई लोगों का ये मानना था कि वोल्डेमॉर्ट तो डंबलडोर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो सवाल ये है कि कैसे पता करा जाए कि ज्यादा पावरफुल कौन था, यानी कि अगर वोल्डेमॉर्ट वर्सेस ग्रिंडलवॉल्ड की लड़ाई हो तो कौन जीतता। इसके लिए हम दोनों लोगों की लाइफ के स्टेजेस का कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि आखिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो शुरू करते हैं दोनों के जन्म से। तो वोल्डेमॉर्ट का हमें पता ही है कि उसकी माँ जादूगरनी थी और जन्म देते ही मर गई थी। पिता मगल था जिसे वोल्डेमॉर्ट या उसकी माँ से कोई मतलब नहीं था। तो वोल्डेमॉर्ट का बचपन एक ऑर्फनेज में बीता था और वो अपने साथियों को डराता था। उसने बिल्ली को मारकर सीलिंग से लटका दिया था और सांपों से बात कर सकता था जो उसे विरासत में मिला था। इन शॉर्ट, अपनी सच्चाई न जानते हुए भी वो जादूगरी में साधारण बच्चों से आगे निकल गया था। यूजुअली बच्चे अनजाने में जादू करते थे, पर वो जानबूझकर अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता था। वहाँ ही अगर ग्रिंडलवॉल्ड की बात की जाए तो उसके बचपन की स्टोरी कहीं भी कुछ खास अवेलेबल नहीं है, पर क्योंकि उसने डर्मस्ट्रैंग से पढ़ाई की थी और उस टाइम पे डर्मस्ट्रैंग में सिर्फ प्योर ब्लड विजार्ड्स ही पढ़ सकते थे, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ग्रिंडलवॉल्ड एक प्योर ब्लड विजार्ड था। स्कूल डेज की बात की जाए तो वोल्डेमॉर्ट अट्रैक्टिव था, इंटेलिजेंट था, मैनिपुलेटिव था, टीचर्स को खुश करना जानता था, और 17 साल की उम्र से पहले ही उसने हॉक्रक्स के राज जानकर खून करके एक हॉक्रक्स बना चुका था, अपनी टीम बना चुका था और टीचर बनके अपनी टीम बढ़ाना चाहता था। जबकि ग्रिंडलवॉल्ड 17 साल की उम्र में डार्क मैजिक का इस्तेमाल करने के कारण डर्मस्ट्रैंग, जो कि डार्क आर्ट्स के लिए ही फेमस स्कूल था, उसे वहां से निकाल दिया गया था और वह अकेला था जब गॉडरिक हॉल हो गया था। यहां हम बता सकते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ज्यादा चालाक और चतुर था ग्रिंडलवॉल्ड से। स्कूल के बाद ग्रिंडलवॉल्ड की दोस्ती डंबलडोर से हो गई, जो अपने टाइम के बहुत इंटेलिजेंट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे और दुनिया घूमकर सब कुछ जानना चाहते थे। उन्होंने ग्रिंडलवॉल्ड में भी इक्वल क्वालिटीज देखी थी, तभी उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। वोल्डेमॉर्ट स्कूल के बाद बॉगिन एंड बॉक्स में काम करने लगा था और हॉर्क्रक्स के लिए खून करने लगा था और हाईली वैल्यूएबल और पावरफुल सामान इकट्ठा करने लगा था। यहाँ हम ये बता सकते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ज्यादा क्रूअल बन चुका था, खूनी बन चुका था, जबकि ग्रिंडलवॉल्ड सूझबूझ से आगे बढ़ रहा था और ग्रेटर गुड के लिए डंबलडोर के साथ काम करने लगा था, और वो दोनों मौत के तोहफे ढूंढने के लिए निकलने वाले थे। उसके बाद ग्रिंडलवॉल्ड और डंबलडोर ने ब्लड पैक्ट बना लिया जिसमें वो एक दूसरे के खिलाफ कभी लड़ने नहीं वाले थे, जबकि वोल्डेमॉर्ट कुछ टाइम के लिए गायब हो गया और अपनी सेना बनाता रहा। उसके बाद ग्रिंडलवॉल्ड अकेला निकल गया डेथली हॉलोस की तलाश में और उसे छड़ी मिल गई। वोल्डेमॉर्ट को डेथली हॉलोस का दूर दूर तक पता तक नहीं था। वो अपनी सेना और बड़ी करता रहा, अपने नाम वोल्डेमॉर्ट रख लिया। वो स्कूल में वापस आना चाहता था टीचर बनके, पर डंबलडोर जो अब हेडमास्टर बन चुके थे उन्होंने मना कर दिया और वो टीचर की इस पोस्ट को ऐसा शाप दे गया कि उसके बाद से कोई भी टीचर एक साल से ज्यादा नहीं टिक पाया। उसके बाद ग्रिंडलवॉल्ड ने अमेरिका में मिनिस्ट्री ज्वाइन किया जहां वो क्रेडेंस का यूज करके ऑब्सक्यूरियल की हेल्प से पावरफुल बनना चाहता था। वोल्डेमॉर्ट और सेना बड़ी करता गया, खून करता गया और लोगों को झूठ बताकर कि वो प्योर ब्लड विजार्ड है, हाफ ब्लड मगल बॉन्स और मगल्स को मारना शुरू कर दिया, इतना कि लोग उसका नाम लेने से भी डरने लगे। उसके बाद की उम्र में ग्रिंडलवॉल्ड ने सबको क्राइम, इंटेलिजेंस और झूठे वादे करके अपनी तरफ लेने की कोशिश की। उसने खुद का एक जेल बनाया जिसका नाम नर्मन गार्ड कासल रखा गया। उधर ट्रिलोनी ने भविष्यवाणी कर दी जिसके चलते वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने निकल गया और अपने शरीर गंवा बैठा। उस समय वो 55 ईयर्स का था। 64-65 ईयर की एज में डंबलडोर ने ग्रिंडलवॉल्ड को रोकना चाहा। हालांकि ग्रिंडलवॉल्ड के पास एल्डर्स बॉन्ड थी, पर डंबलडोर ने उसे हरा दिया। पर ये भी कहा जा सकता है कि उसने डंबलडोर को ज्यादा रोकने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि उनकी पुरानी दोस्ती थी, उनकी वन ऑन वन ड्यूलिंग हुई, कोई गैंग या साथी से मिलकर हमला नहीं किया गया। जबकि वोल्डेमॉर्ट 55 की उम्र में 13 ईयर्स तक, यानी कि 68 की उम्र तक बिना शरीर के रहा और भटकता रहा। उसके बाद ग्रिंडलवॉल्ड को उसी की जेल नर्मन गार्ड भेज दिया गया जहां वो 115 साल की उम्र तक रहा, जहां उसे वोल्डेमॉर्ट ने आखिर आकर मार डाला जब ग्रिंडलवॉल्ड उस पर हंस रहा था और एल्डर वॉन्ड का पता नहीं बता रहा था। वोल्डेमॉर्ट को 68 की उम्र में दोबारा शरीर मिला, उसने आतंक फैलाया, बहुत लोगों को मारा या मरवाया, दोबारा शक्तिशाली हुआ, एल्डर वॉन्ड की खोज में निकला, उसके सारे हॉरक्रक्स नष्ट हो गए और 17 ईयर्स के एक लड़के ने इस 71 ईयर्स एज के विजार्ड को मार डाला। तो अब बात आती है कि इन सब के अकॉर्डिंग तो ग्रिंडलवॉल्ड ज्यादा पावरफुल था,
वो एल्डरवॉन का मालिक था, ऑलमोस्ट अमेरिका पर उसने अपना कब्जा कर लिया था। लोग उसकी तरफ अपनी मर्जी से आते थे, ना कि डर या शाप के चलते। जबकि वोल्डेमॉर्ट कम साल तक जिंदा रहा, जिसमें से भी 13 साल वो बिना शरीर के था। कुछ लोग उसकी तरफ खुशी से थे, कुछ डर से थे, और कुछ मजबूरी में, और कुछ समूहन शाप के चलते। तो फिर इन सबके मुताबिक तो ग्रिंडलवॉल्ड ही ज्यादा पावरफुल हुआ, ना कि वोल्डेमॉर्ट। पर असल में ऐसा नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि वोल्डेमॉर्ट कम टाइम रहा, पर फिर भी उसने कम टाइम में ज्यादा आतंक फैलाया कि लोग उसका नाम तक लेने से डरने लगे, जबकि ग्रिंडलवॉल्ड के साथ ऐसा नहीं था। फिर ग्रिंडलवॉल्ड ने ब्रिटेन में तबाही नहीं फैलाई जहां डंबलडोर थे, बल्कि अमेरिका में ऐसा किया, और डंबलडोर ने उसे जल्दी ही रोक लिया। जबकि वोल्डेमॉर्ट ने डंबलडोर के रहते ब्रिटेन में तबाही फैलाई, और डंबलडोर उसे अपने जीते जी नहीं रोक पाए। और जो प्लानिंग वो करके गए थे, अगर वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता तो हैरी मर चुका होता, क्योंकि उनके प्लान के अकॉर्डिंग स्नेप एल्डरवॉन्ड का मालिक होता। और जब वोल्डेमॉर्ट ने स्नेप को मार डाला तो एल्डरवॉन्ड का मालिक वोल्डेमॉर्ट बन जाता और वो हैरी को हरा देता। वोल्डेमॉर्ट ने भविष्य को अपने अकॉर्डिंग बदलने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस में हैरी और उसकी फैमिली को मारने की कोशिश की, और इग्नोरेंस के चलते शरीर गवा बैठा। और इन 13 साल में डंबलडोर ने उसे रोकने का पता करके हॉर्क्रक्स नष्ट करवा दिए, वरना वोल्डेमॉर्ट को हराना बहुत मुश्किल था। डंबलडोर ही बस उससे ज्यादा पावरफुल थे, और उनकी मौत के बाद उसे हराना नामुमकिन था। तो ओवरऑल बात की जाए तो वोल्डेमॉर्ट ग्रिंडलवॉल्ड से ज्यादा पावरफुल था। हालांकि ग्रिंडलवॉल्ड प्यार समझता था, जो कि वोल्डेमॉर्ट नहीं समझता था, जो बात ग्रिंडलवॉल्ड को बेहतर इंसान बनाती है। पर अगर विलन की बात की जाए तो अगर प्योरली पावर और क्रुएल्टी के बेसिस पर हम जज करें तो वोल्डेमॉर्ट ही ज्यादा पावरफुल था। तो ये थी बात ग्रिंडलवॉल्ड वर्सेस वोल्डेमॉर्ट की। आपको क्या लगता है? क्या आप अब भी यही मानते हैं कि ग्रिंडलवॉल्ड ज्यादा स्ट्रांग था? तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।